चलिए पांचवी और आठवीं बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा संकुल से जारी हो रहा है। परिणाम आठवीं बोर्ड परीक्षा में 12,50,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। पांचवी बोर्ड की परीक्षा में 14,37,000 विद्यार्थी शामिल हुए। rajasthan.gov.in पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जयपुर से सीधी तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है और अब नतीजे जारी होने को है। इससे पहले देखिएगा कल दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिसमें 93.03 विद्यार्थी पास हुए हैं, जिसमें छात्राएं 82% से अधिक हैं और छात्र भी 82% के आसपास है। अब पांचवी बोर्ड और आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं जो कि ली गई थी, अब नतीजे सामने आने को हैं। लेकिन इससे पहले देखिएगा कल मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था रिजल्ट को लेकर ही, और दसवीं बोर्ड को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी को बधाई हो जिन्होंने टॉप किया है, उनको लेकर भी बधाई दी थी, लेकिन कहा था कि अगर किसी विद्यार्थी के हक में परीक्षा परिणाम नहीं आए, यानी कि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तो हताश नहीं होना है, इसे अंतिम प्रयास के तौर पर नहीं देखना है, भविष्य में और अधिक आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। और ये एक सकारात्मकता का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया था ताकि छात्रों का मनोबल गिरे नहीं, मनोबल में वृद्धि हो। और पांचवी और आठवीं बोर्ड का रिजल्ट अब आने को तैयार, और देखिएगा 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। मार्च अप्रैल महीने में परीक्षा आयोजित की गई थी पांचवी और आठवीं की, और अब रिजल्ट जारी हो रहा है। ये देखिएगा शिक्षा संकुल से परिणाम जारी होता है हर वर्ष की भांति, इस वर्ष भी शिक्षा संकुल से ही परिणाम बताए जा रहे हैं और तय समय के मुताबिक परिणाम और नतीजे जारी कर रहे हैं। और अब आप परिणाम को जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है, हम बोलकर बता देते हैं, rajasthan.gov.in, इस पर आप जाइए और अपना रोल नंबर अंकित कर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें, और जानकारी दे दें कि जो दसवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी कल जारी किया गया था 5 बजे, उसमें भी बेहतर प्रदर्शन रहा है इस वर्ष, 93% से अधिक छात्र सफल रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सफल छात्रों को ही नहीं देखें, बल्कि प्रयास तो देखिए हर छात्र की ओर से किया गया था, अब अगर उत्तीर्ण नहीं भी हो पाए तो आपको हताश नहीं होना है, फिर एक बार प्रयास को तैयार रहिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो फिर उसके लिए भी तैयारी कीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं सरकार की ओर से, एक और मौका छात्रों को मिलता है, तो ऐसे में उस पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो उसके लिए एक बकायदा तय समय पर फॉर्म्स निकलते हैं। लेकिन अब यहां बात पांचवी और आठवीं बोर्ड की हो रही है। पांचवी में 14 लाख से ज्यादा है, वहीं आठवीं में 12 लाख से ज्यादा, यानी कि जरा आप देखिएगा आसपास 27 लाख के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम आज घोषित हो रहा है। 12.5 लाख और 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो कि शामिल हुए हैं, और आज करीब 27 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे होंगे इस पल का, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो फिर एक तनाव भी महसूस किया जाता है, और कई बार इसे लेकर भी कहा जाता है कि तनाव के दौरान आप परीक्षा में न बैठें। लेकिन अब परीक्षा दी है तो फिर इंतजार परिणाम का किया जाता है, इसके बाद नए सेशन प्रारंभ होंगे, नए सेशन के दौरान, और उससे पहले पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं जो ली गई थी मार्च अप्रैल माह में आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट जारी होने के लिए तैयार है। जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि ये शिक्षा संकुल से परिणाम जारी हो रहा है, कुछ इंतजार हो रहा है, देखिएगा इंतजार किया जा रहा है, कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं वो भी पूरी करनी होती है इससे पहले, जो तमाम शिक्षा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें भी
पहुंचना होता है। इस दौरान उनकी मौजूदगी में ही परिणाम जारी किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जो कि आयोजित की गई थी, हालांकि इसके बाद आगे भी परिणाम जारी होंगे। इंतजार हो रहा है सीबीएसई के नतीजों का भी, लेकिन अब बात आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जहां शिक्षा संकुल से परिणाम जारी किया गया है। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने परिणाम जारी किया है। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए। और देखिए, शिक्षा संकुल ने तैयारी की है, लेकिन देखिए पहले ही बता दिया गया था कि आज 30 मई को नतीजे जारी किए जाएंगे और उसी के तहत ये तैयारी की गई थी। इससे पहले परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी। सवाल यही था कि कब आएगा राजस्थान और पांचवी और आठवीं का रिजल्ट। और इससे पहले देखिएगा, 30 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक आयोजित हुई थी पांचवी बोर्ड की परीक्षाएं। और समय पारी की बात करें तो 8 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित की गई थी। वोटिंग की वजह से भी डेटशीट में कुछ बदलाव दिखाई दिया था। पांचवी कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट में सिर्फ तिथि नहीं बल्कि समय में भी संशोधन तब किया गया था। तेज गर्मी को देखते हुए भी बदलाव किए गए थे और अब रिजल्ट जारी।